क्षेत्र में भारत के योगदान की जब बात आती है तो हमारे मन मस्तिष्क में तीन नाम अवश्य उभर कर आते हैं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। राकेश शर्मा को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त है, जबकि कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जहां तक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की बात है तो वे विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका में रहने वाली सुनीता विलियम्स अप्रैल 2013 में दूसरी बार भारत दौरे पर आई थी। उनका ध्यान मुख्यतः स्कूली बच्चों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। इसी सिलसिले में वे विज्ञान नगरी कोलकाता, नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों से मिली और उनके साथ अपने अनुभव बांटे। इन कार्यक्रमों में उत्साहित बच्चों ने सुनीता विलियम्स से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों और सुनीता विलियम्स द्वारा दिए गए उत्तरों का संकलन यहाँ दिया जा रहा है। क्या आप बचपन से ही एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी? नहीं, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगी। मैं तो एक पशु चिकित्सक बनना चाहती थी क्योंकि बचपन से ही मेरा लगाव जानवरों से रहा है। लेकिन जब मैंने अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र चुना तब मुझे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। मैंने उन असफलताओं से सबक सीखा और उनसे निपटते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताइए। जब आप अंतरिक्ष यान में बैठे हो तो यान की खिड़की से झांक कर देखना बहुत ही रोमांचक अनुभव देता है। बाहर झांकने पर भी दिन रात का पता नहीं चलता, बस आपको वहाँ अनुमान लगाकर सोना होता है। ऐसा नहीं कि इंतजार किया जाए कि अभी रात होगी, अभी दिन होगा। अंतरिक्ष यात्री को कुछ अलग ही तरह की जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि उन्हें इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए व कंप्यूटर का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इतने ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान साथ में कोई डॉक्टर नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री में एक डॉक्टर के गुण भी होने चाहिए। मैंने सुना है कि समोसे आपको बहुत पसंद है, यहाँ तक कि आप अंतरिक्ष में भी उन्हें लेकर गई थी। हाँ, ठीक सुना आपने। जब मैं दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी तो अपने साथ समोसे के डिब्बे ले गई थी। वैसे भी भारतीय व्यंजन मुझे अच्छे लगते हैं, विशेषकर ढोकला। आप अपनी यात्रा में श्रीमद् भगवत गीता भी तो ले गई थी। हाँ, मुझे इस ग्रंथ से मन को मजबूत करने की प्रेरणा मिलती है। इस बार अपनी यात्रा में मैं इसे अपने साथ ले गई थी। पहली अंतरिक्ष यात्रा में भी मैं उपनिषद लेकर अंतरिक्ष में गई थी। असल में भारतीय व्यंजन और भारतीय ग्रंथ साथ में हो तो लगता है कि आप अपने घर के करीब ही हैं। आपके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या मूल रूप से गुजराती हैं। भारत के प्रति आपके इस लगाव में उनका कितना योगदान रहा है? मेरे पिता धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्हें भारतीय होने का गर्व है। उन्होंने मुझे भारतीय मूल का होने का हमेशा ध्यान दिलाया है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब उन्होंने लॉर्ड हनुमान नामक कॉमिक्स ला कर दी थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तब उन्होंने मुझे महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ने को दी थी। इन पुस्तकों से मुझे काफी प्रेरणा मिली है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु ने आपको कितना प्रभावित किया? सन 2003 में हुई कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान की भीषण दुर्घटना में मैंने कल्पना सहित अपने सात मित्रों को खो दिया। इस घटना ने मुझे उन सभी का सपना पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कल्पना मेरी बहुत अच्छी मित्र थी। वे अंतरिक्ष के क्षेत्र में बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। मेरे विचार से उन्होंने भारत के बच्चों के लिए कुछ करने का सपना संजोया था। मैं आशा करती हूँ कि उनका सपना पूरा हो और बहुत सी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाएं।
खुले अंतरिक्ष में विचरण करते समय क्या कभी आपका सामना एलियन से नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। अंतरिक्ष स्टेशन के लगातार चलते रहने के कारण कभी कभी अचानक सूर्य के सामने होने या कभी चांद के सामने होने पर कुछ प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये प्रतिबिंब किसी के खड़े होने का भ्रम पैदा करते हैं। हम उन्हें एलियंस मानने की भूल कर बैठते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर दुनिया कैसी दिखाई देती है? अंतरिक्ष से सिर्फ समुद्र और पहाड़ी अलग दिखते हैं, बाकी दुनिया एक जैसी ही दिखती है। आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जब आप अंतरिक्ष से नीचे झांकते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया एक है। यह तो हम इंसानों ने इस दुनिया को अलग अलग सीमाओं में बांध दिया है। इसलिए मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आप सारी दुनिया में आपसी भाईचारे का संदेश फैलाएं।